Hi everyone, welcome to khabachi.com and Simal's Kitchen Show. હું છું રિતિકા ચૌહાણ અને આજે આપણે બનાવવા જઈએ છીએ ધનિયા પનીર કોરમા, જે આપણે બનાવીશું સુમુલનો પનીર યુઝ કરીને અને સુમુલનો પ્રોબાયોટિક દહી યુઝ કરીને. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ધનિયા પનીર કોરમા બનાવવા માટે સબસે પહેલે હમ યહાં પે સુમુલ કી પ્રોબાયોટિક દહી લેંગે 1 કપ. સબસે પહેલે યહાં મેં 1 કપ દહી એડ કર્યું બોલ મેં. ફ્રેશ હોના ચાહિયે ઓર ક્રીમી દહી યુઝ કરના. फुल करने से पहले मैं इसमें चीज़ें ऐड कर दूंगी. सो यहाँ 1 टेबलस्पून मैदा है, ये मैदा फ्लार वो ऐड कर रही हूँ मैं. ये 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड किया मैंने. ये 1/4 टीस्पून आमचूर ऐड कर रही हूँ मैं. 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ मैं. हम इसे अच्छे से मिलाएंगे. अब हम इसमें तड़का लगाते हैं, ये अब हम साइड पर रख देते हैं. 3 बड़े चम्मच मतलब 3 टेबल स्पून काजू भिगोए हैं और साथ ही 5-6 बादाम भिगो के रखी है. ये दूध में मैंने भिगाया है. अब इसका मैं ये थिक पेस्ट बना लेती हूँ और फिर हम इसमें तड़का लगा देते हैं सब्जी में. धनिया पनीर कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे लो फ्लेम पर पैन को हीट किया है मीडियम पर. अब मैं इसमें 5-6 बड़े चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ. इसमें मैं 2 लवंग डाल रही हूँ और 3-4 काली मिर्च ऐड करना है. साथ ही इसमें ये मैंने 3 बड़ी हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर रही हूँ. बड़ा चम्मच हरा पेस्ट, जिसमें जो ये अदरक लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाते हैं वो ऐड किया है. अब इसमें हमने जो ये पेस्ट बनाया था काजू बादाम का वो ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे. ये हमने जो दही वाला मिक्सचर बनाया है क्रीमी मिक्सचर, उसे हम ऐड करेंगे. मिक्सचर ऐड करने पे आप एक चीज़ याद रखना कि हमें फ्लेम स्लो रखना है ताकि हमारा दही जो है वो एकदम फास्ट पे नहीं पके, एकदम स्लो पे इसे हमें चलाना है पहले. सब आप देख सकते हो कैसे हमारा हमारी सब्जी जो है वो एकदम क्रीमी हो रही है. अब इसमें मैंने जिसमें दही लिया था उसी में मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है, पर मैं इसे एक साथ नहीं ऐड करूँगी. मैं पहले इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसे मिलाऊँगी स्वाद अनुसार नमक. थोड़ा सा फिर से पानी ऐड कर रही हूँ और अब इसे हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे. इससे पहले थोड़ा और पानी ऐड करके, मतलब लगभग मैंने इन टोटल मैं 1/2 कप पानी यूज़ करूँगी, पर थोड़ा थोड़ा बैच वाइज. सो अब मैंने थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिला के अब हम इसे ढकेंगे. थोड़ा होने देंगे, पकने देंगे ग्रेवी को हमारे, और तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं. धनिया पनीर कोरमा के लिए मैं यहाँ पे सुमूल का पनीर ले रही हूँ. अब हमारे पनीर क्यूब्स कट करके मैंने मीडियम साइज़ में रेडी रखा है. अब हमारी ग्रेवी चेक कर लेते हैं. अच्छे से ग्रेवी कुक हो चुकी है, पक चुकी है. यहाँ तेल अच्छे से छूट गया है ग्रेवी में. 1/4 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड कर रहे हैं. 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, ये हैंड क्रश कसूरी मेथी मैं डाल रही हूँ, हाथ से ऐसे क्रश करके, रोस्ट करके नहीं ऐड कर रही हूँ. जो पानी बचा हुआ है 1/2 कप में से वो हम ऐड कर देंगे. सारा पनीर ऐड कर देंगे. अब हमें पनीर को अच्छे से कुक करना है. थोड़ा इसमें अभी थोड़ा सा धनिया ऐड कर रहे हैं, 1/2 चम्मच. ये है हरा लहसुन जो सीज़न में, विंटर सीज़न में बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ. ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हो. हमारे सारे मसाले ऐड हो चुके हैं, पनीर भी ऐड हो चुका है. सो अब हम इसे फिर से ढककर 2-3 मिनट पकाते हैं. सो अब आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारी ग्रेवी कुक हो चुकी है. बहुत सारा धनिया हमें ऐड करना है लास्ट में. हमें अच्छे से एक मिक्स देना है. लगभग 2 बड़े चम्मच क्रीम ऐड कर रही हूँ और हम अब इसे सर्व कर लेते हैं.
सो खबरचेना दर्शक मित्रों, धनिया पनीर कोरमा बनीने रेडी है। तब ट्राई करजो, रेसिपी शेर करजो अमरी जोड़े। फरी मिलीशू अपने न्यू रेसिपी साथ सुमोल्स किचन शो पर दर शनिवार बपोरे 1:55 कलाके खबरचे.com पर।